सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में तुहाडा सारिआं दा स्वागत है जी। गल करांगे 2 जून दीआं सूबे पंजाब दीआं खबरां बारे। पहली खबर दोस्तों, 3 मैंबर कमेटी सामने पेश होण तों बाद मीडिया सामने आए नवजोत सिद्धू, दित्ता वड्डा बयान। पंजाब कांग्रेस के कलेश नूं खत्म करन लई हाईकमान वल्लों बनाई गई कमेटी अगे पेश हो के नवजोत सिद्धू ने अपना पक्ष रख्या। 3 मैंबरी कमेटी नाल मुलाकात तों बाद नवजोत सिद्धू ने पत्रकारां नाल गल्लबात करदे होए कहा कि कमेटी वल्लों जो कुछ भी उन्हां तों पुछा गया उन्हां पूरी दलेरी नाल उन्हां दा जवाब दिता। जो कुछ भी पुछा गया मैं हर सवाल दा जवाब दिता। सिद्धू ने कहा कि जमीन पाड़ के पंजाब दे लोकां दी आवाज़ बाहर आ रही है अते इसे आवाज़ नूं ओह हाईकमान तक पहुंचाउण लई इत्थे आए हन। उन्हां कहा कि सब तों वड्डी गल इह है कि जो मेरा स्टैंड है मैं उस ते कायम हाँ, जो सच है मैं उस नूं कमेटी सामने प्रकाशित करके आया हाँ। सिद्धू ने कहा कि उन्हां पंजाब दे सच अते हक दी आवाज़ हाईकमान सामने बुलंद तरीके नाल रखी है। उन्हां कहा कि पंजाब दे हर नागरिक नूं हिस्सेदार बनाउणा है अते हर पंजाब विरोधी ताकत नूं हरा है। अखीर विच सिद्धू ने कहा कि जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबीयत अते जीतेगा हर पंजाबी। अगली खबर दोस्तों, प्री प्राइमरी अध्यापकों दी 8893 असामियां हुण भरियां जाणगियां। सिख्या भर्ती डायरैक्टरेट पंजाब वल्लों 23/11/2020 नूं प्री प्राइमरी अध्यापकों दी 8893 असामियां नूं भरन संबंधी विज्ञापन दिता गया सी। इन्हां असामियां दा लिखित पेपर 27/6/2021 दिन ऐतवार 10 बजे तों 12 बजे तक दा होवेगा। टैसट दा स्थान रोल नंबर स्लिप जारी करन ते दर्शाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों, 2022 दीआं चोणां नूं लै के पंजाब च मुख्यमंत्री अहुदे दे उम्मीदवारां ते भगवंत मान दा वड्डा बयान। पंजाब दी सियासत कदे भी जाति आधारित नहीं रही अते ना ही अजिहा कदे होवेगा। इत्थे सारे लोग मिलजुल के रहिंदे हन अते इकट्ठे ही फैसले लैंदे हन। इस लई भारतीय जनता पार्टी अपनियां इन्हां साजिशां नूं पंजाब तों दूर रखे। जिथों तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, साड़ी पार्टी पंजाब नूं अजिहा CM देवेगी जो दलित ब्राह्मण जट जां किसी होर जाति का नहीं सगों पूरे पंजाब का CM होवेगा। यह गल आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान भगवंत मान ने कही। उन्होंने पूछा गया सी कि भाजपा वालों दलित CM की गल कही गई है जदों की कांग्रेस विच भी अजिही ही आवाज़ उठन लगी है, तो इस ते आम आदमी पार्टी की की रणनीति रहेगी। भगवंत मान ने कहा कि यह असल विच भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार रहा है कि संप्रदायकता के आधार से तकसीम करके ही यह अपनी राजनीति करती है। अजिहा ही यतन भाजपा वालों पंजाब विच कीता जा रहा है, पर भाजपा का भुलेखा छेती ही टुट जाएगा क्योंकि पंजाब ओहो जिहा नहीं है जिहो जिहा भाजपा वाले सोच रहे हैं। मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब नूं अजिहा मुख्यमंत्री देवेगी जो जातिवाद, खेत्रवाद जां भरा-भतीजवाद तों कोहां दूर होवेगा अते पूरे पंजाब अते पंजाब दे हर नागरिक नूं अपना मन के ही उन्हां दी भलाई दे फैसले लवेगा। पत्रकारों वालों पूछण ते भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस विच चल रही कलेश लोगों की भलाई लई नहीं है, सगों यह तो कुर्सी बचाउण अते वड्डी कुर्सी हथियाउण लई है। आप विधायक सुखपाल सिंह खहरा दे कांग्रेस विच शामिल होण दीआं चर्चावां ते प्रतिक्रिया दिंदिआं मान ने कहा कि पहलां खहरा कांग्रेस तों आप विच आए सन, मौजूदा समें विच ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਸੇ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ, ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम 12वीं जमात दीआं प्रीख्यावां संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक कीती। जानकारी मिली है कि सारे राज्यां अते होर हिस्सेदारां नाल चंगी तरह विचार वटांदरे तों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 12वीं जमात दीआं प्रीख्यावां नूं रद्द करन दा फैसला लिया है। अगली खबर दोस्तों, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने बिजली दे खपतकारां नूं दित्ती वड्डी राहत। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਟ, UPI, RTGS, ਨੈਫਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ July 2021 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਪਾਓ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਤੀ 1/7/2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
सिर्फ डिजिटल तरीकों राही ही किया जा सकता है। अगली खबर दोस्तों, CBSE तो बाद ICSE बोर्ड ने भी रद्द कीतियां 12वीं दियां परीक्षावां। CBSE तो बाद हुण ICSE बोर्ड ने भी 12वीं दियां परीक्षावां रद्द कर दित्तियां हन। ICSE बोर्ड ने यह जानकारी दित्ती। परीक्षावां रद्द करन तो बाद अंक देण लई मुलांकण प्रक्रिया दे मापदंड दा छेती फैसला होवेगा। हालांकि जेकर कोई विद्यार्थी नतीजे तो संतुष्ट नहीं हुंदा तां उसनूं बाद विच परीक्षा विच बैठण दा मौका दित्ता जाएगा। दस दिए कि इस तों कुछ देर पहलां ही PM मोदी की प्रधानगी विच हुई बैठक विच CBSE दी 12वीं बोर्ड परीक्षा नूं रद्द करन दा फैसला लिया गया सी। अगली खबर दोस्तों, परिवार वाले कर रहे सन अंतिम संस्कार दी तैयारी, जिंदा हुई 75 साला बीबी। कुदरत दे रंग भी अजीब हुंदे हन, कई बार कुदरत दे कौतक देख के हर कोई हैरान हो जांदा है। इसे तरह की एक अजीब कौतक कुदरत ने दिखाई जदों एक 75 साला औरत मर के फिर जिंदा हो गई। जानकारी के मुताबिक कमियाणा गेट कोल डॉक्टर अंबेदकर के रहने वाले गुरजंट सिंह ने दस्या कि मेरी माँ गुरदीप कौर पत्नी स्वर्गवासी तार सिंह काफ़ी दिन तो सेहत पक्षों ढिले चल रहे सन अते बीते शुक्रवार एकदम डिग पए ते उस तो बाद नहीं बोले। असी उन्होंने मृतक समझ के अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया सी। जदों असी संस्कार की तैयारी कर रहे सी तां माता जी का पहला पैर हिलिया तां असी नाल दी नाल डॉक्टर नूं बुला लिया। जदों डॉक्टर ने चैक किया तां माता जी बिल्कुल ठीक सी, जिस नाल साडे परिवार च फिर तो रौनक आ गई। अगली खबर दोस्तों, पेट्रोल ते डीजल दीआं वध रहीआं कीमतां कारण दोवां दी विक्री च आई वड्डी गिरावट। मई च सरकारी तेल कंपनियां ने पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां वधाउण च कोई कसर नहीं छड्डी, पर कई सूबिआं च लॉकडाउन कारण इन्हां दोवां उत्पादां दी विक्री ते उल्ट असर पिआ। पिछले महीने पेट्रोल ते डीजल दी विक्री विच 17% दी गिरावट हुई, यह पिछले एक साल की सब तो वड्डी गिरावट है। दूजे पासे इस म्याद विच पेट्रोल की कीमत विच 4.09 रुपए अते डीजल की कीमत विच 4.55 रुपए का वाधा किया गया है। 4 मई तो बाद तेल मार्केट कंपनियां ने मई विच 16 वार ते एक महीने अंदर हुण तक 17 वार पेट्रोल डीजल के मुल वधाए हैं। मंगलवार को पेट्रोल की कीमत विच 26 पैसे प्रति लीटर ते डीजल विच 23 पैसे प्रति लीटर का वाधा किया गया। दिल्ली पेट्रोल की कीमत 94.49 रुपए के नवे रिकॉर्ड से पुज गई है। डीजल पहला ही सब तो उपरले पद्धर से है, मंगलवार को इसका मुल 85.38 रुपए प्रति लीटर हो गया। देश के कई सूबे में पेट्रोल 100 रुपए के अंकड़े को पार कर चुका है। मुंबई में पेट्रोल 29 मई को ही 100 रुपए प्रति लीटर का पद्धर पार कर गया सी। मध्य प्रदेश ते राजस्थान के कई हिस्सों में यह पिछले करीब 2 हफ्तों तो 100 रुपए प्रति लीटर तो उपर है। अगली खबर दोस्तों, पंजाब दे पांच विभागों च 38,552 असामियां दी भर्ती प्रक्रिया शुरू। मुख्य सकत्तर ने अधिकारियों नूं दित्ते निर्देश। मुख्य सकत्तर विनी महाजन ने सारे विभाग के उच्च अधिकारियों नूं निर्देश दित्ते हन कि भर्ती प्रक्रिया छेती मुकम्मल की जाए तां जो वख-वख विभागों की कार्यकुशलता च होर वाधा हो सके। उन्होंने कहा कि नवी भर्ती नाल ना सिर्फ दफ्तरी कामां च कार्यकुशलता वधेगी ते लोकां नूं वधिया ढंग नाल सेवावां मिलणगियां, बल्कि इस नाल सूबे दे बेरोजगारां नूं सरकारी नौकरियां भी मिलणगियां। राज पद्धरी रुजगार योजना संबंधी हुई एक उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी करदिआं मुख सकत्तर ने दस्सिआ कि पंजाब सरकार वल्लों पिछले 2 सालां तों वड्डे पद्धर ते वख-वख विभागां च भर्ती प्रक्रिया चल रही है ते बहुत सारियां असामियां हाले भी भरियां जाणियां बाकी हन। मुख सकत्तर ने दस्सिआ कि सिर्फ 5 विभागां च ही वख-वख असामियां लई 38,552 पोस्टां भरियां जाणियां हन, जिन्हां चों सिर्फ स्कूल सिक्ख्या विभाग विच ही 16,681 असामियां दी भर्ती कीती जानी है, जबकि गृह विभाग च 10,387, बिजली विभाग च 3623, सेहत ते परिवार भलाई विभाग च 5834 ते सहकारिता विभाग च भी 2027 असामियां दी वख-वख पद्धर ते भर्ती कीती जानी है। मुख्य सकत्तर ने दस्सिया कि ज़्यादातर विभागों वल्लों भर्ती लई मुढ़लियां जरूरी शर्तां पूरियां कर लईआं गईआं हन ते जल्द ही सूबे दे हज़ारां नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं रुजगार मिलेगा। अगली खबर दोस्तों, तेज़ हनेरी ने लियांदा जिंदगी च तूफान, घर च विशे सत्थर। बीते कुछ दिनों तो पंजाब च मौसम दा मिजाज बदलिया होया है। शहर च चल रही हनेरी झक्खड़, भारी गड़ेमारी अते बारिश दे नाल जिथे माली नुकसान अते कुदरती चीज़ां दा
नुकसान होया है। लोगों के घर ढह गए, उत्थे ही कुछ घर उजड़ भी गए। मामला थाना समालसर मोगा अधीन पैंदे पिंड का है, जिथे पिंड सुखानंद ते मालके दे दो घर सत्थर विछ गए। प्राप्त जानकारी अनुसार बंबीहा भाई ते सुखानंद दे विचकार सड़क उपर डिगे हुए बिजली के खंभे नाल टकराउण करके मोटरसाइकिल सवार सुखानंद निवासी मां पुत जो दवाई लैण लई शहर जा रहे सन, परमजीत कौर गंभीर रूप च जख्मी हो गए अते उन्हां दा 16 साला पुत्र तेजविंदर सिंह जो मोटरसाइकिल चला रहा सी दी मौके ते मौत हो गई। जिक्रयोग है कि कुछ समा पहला ही मृतक नौजवान दे पिता भी परिवार नूं अचानक सदीवी विछोड़ा दे गए सन। दूजी घटना मोटरसाइकिल सवार शिंदरपाल सिंह पुत्र मेहर सिंह निवासी पिंड मलके दी भी उसे खंभे नाल टकराउण करके मौके ते ही मौत हो गई। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ ਤਰੀਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।